शहीद को श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे जिलाधिकारी अखिलेश कुमार मिश्रा बीएसपी बालेंदु भूषण सिंह। वहीं पूरनपुर एसडीएम शहीद के घर कुछ पलों के लिए नजर आए, सलामी भी नहीं दी पूरनपुर एसडीएम ने और वापस चले आए। ये देखकर क्षेत्र के लोगों में उदासी का माहौल देखने को मिला। पीलीभीत तहसील पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम अभयपुर माधोपुर निवासी गुरविंदर सिंह 28 वर्ष इंटरनेशनल बॉर्डर पर 62वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट मैकेनिक 186 आरसीसी यूनिट में तैनात था और आरसीसी रोड कनेक्शन की गाड़ी ले जाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से घायल हो गया था। उपचार के लिए 29 मई को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कर्नल देवगिरी जिला कमांडेंट पीलीभीत ने बताया कि गुरविंदर सिंह बहुत होनहार था, देश पर मर मिटने का इरादा रखता था। आज वे हमारे बीच नहीं रहा, पर उसकी यादें सदा हमारे जीवन में रहेंगी। पीलीभीत जिले की तहसील पूरनपुर क्षेत्र ग्राम आवेपुर माधोपुर का निवासी शहीद गुरविंदर सिंह अपने माता पिता का एक ही बेटा था। गुरविंदर सिंह की शादी 2 साल पहले हुई थी। गुरविंदर सिंह के शहीद होने से सिर्फ उनके गाँव में नहीं पूरे जिले में उनका मातम है, वहीं उनके परिवार और गाँव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जो भी शहीद की शव यात्रा में शामिल हुआ, सबकी रो रो कर आके उसकी यादों को बयां कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि शहीद को पीलीभीत जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास इतना टाइम नहीं था कि श्रद्धांजलि देने के लिए आ सके, इसमें लोगों का आक्रोश देखने को मिला। वहीं पूरनपुर सीओ अनुराग दर्शन व पूरनपुर इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल शर्मा लास्ट टाइम तक शहीद के शव के साथ शामिल रहे। न्यूज फ्रीडम के लिए पीलीभीत से आकाश पाठक की रिपोर्ट। 52 इंजीनियर रेजिमेंट में की 186 आरसीसी यूनिट है हमारी, जो रोड कंस्ट्रक्शन करती है और ये ईस्टर्न सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर कार्यरत था और ये रोड कंस्ट्रक्शन में डिटेल था। जब ये अपनी जो वाहन था उसको ले जा रहा था, तो वो हाई टेंशन वायर के टच में आने की वजह से इसको इलेक्ट्रिक्यूशन जिसको बोलते हैं बिजली की सुलझने की वजह से इनका घायल हो गया थी। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया 29 मई को, जहाँ पर इनका देहांत हो गया। काफ़ी होनहार बच्चा था और काफ़ी देशभक्ति की उसमें जज्बा था और ये हम सभी के लिए एक दुख की घड़ी है। उसके परिवार को और उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, ये हमारी निवेदन।